नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 11 नवंबर शुक्रवार शाम का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए एक नजर डालते हैं शहर की अब तक की ताजा खबरों पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है महाकाल फूड एंड कैफे रेस्टोरेंट। पटनी बाजार स्थित ज्वेलरी शॉप पर शुक्रवार दोपहर आभूषण देखने के बहाने एक दंपति ने 70,000 रुपए की चेन पर हाथ साफ कर दिया। आरोपी दंपति ने पहले दुकानदार को अपनी बातों में उलझाया और फिर चेन लेकर फरफू चक्कर हो गए। ज्वेलर ने महाकाल थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। दरअसल पटनी बाजार में शांतिलाल मुन्नालाल एंड कंपनी नामक ज्वेलरी शॉप है। दोपहर करीब 1:30 बजे दुकान मालिक जितेश नीमा और उनका बेटा शोभित ग्राहकों को अटेंड कर रहे थे, तभी सभ्य से दिखने वाले एक दंपति वहां आए और अंगूठी व झुमकी देखने की बात कही। इस पर शोभित उन्हें जेवर दिखाने लगा। इसी बीच उन्होंने सोने की चेन दिखाने को कहा। चेन देखते हुए उन्होंने शोभित को बातों में उलझाया और महिला ने हाथ की सफाई दिखाते हुए एक चेन अपने पल्लू में गिरा ली। दंपति काफी देर तक सोने के आभूषण देखते रहे और फिर कुछ देर बाद आने का बोलकर चले गए। दुकानदार को कुछ जेवर कम होने की शंका हुई तो उन्होंने स्टॉक मिलान किया, तब चेन चोरी का पता चला। ज्वेलर ने इनकी सूचना महाकाल थाने पर दी है। ज्वेलरी शॉप के मालिक जितेश नीमा ने बताया कि आरोपी दंपति ने 13 ग्राम 650 मिलीग्राम वजनी सोने की चेन चुराई है, जिसकी कीमत करीब 70,000 रुपए है। ये वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ज्वेलर के अनुसार आरोपी दंपति खुद को ग्वालियर का बता रहे थे और उज्जैन में किसी शादी में आने की बात कहकर गिफ्ट में सोने का आभूषण देने की बात कर रहे थे। चेन चोरी की खबर फैलते ही अन्य व्यापारियों ने भी अपने कैमरे चेक किए, जिससे पता चला कि वही दंपति दोपहर 12 बजे पूरे मार्केट में घूमकर अन्य दुकानों पर भी सोना खरीदने के बहाने गए थे, लेकिन वहां वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। फिलहाल महाकाल पुलिस दंपति की तलाश कर रही है। ये सर वारदात करीबन 1:30 बजे के आसपास हुई है और हम लोग चूंकि सतर्क थे, लेकिन फिर भी हमसे गलती हो गई है, तो भी हमारा 13.5 ग्राम के आसपास की चेन गई है, 13 ग्राम 620 मिलीग्राम के आसपास। कीमत सर अगर बेचने की कीमत माने तो करीबन 70,000 रुपये के आसपास की कीमत होती है उसकी, टैक्स GST वगैरह सब मिला के, और यूँ देखे तो करीबन 65,000 रुपये के आसपास की कीमत रहती है, 65 से 67 हज़ार के आसपास। दंपति किस तरह नजर आ रहे थे, क्या वेशभूषा थी, क्या बोलचाल थी? भाई जो दोनों दंपति थे, लेडीज़ ने तो बड़ी झुमकी पहन के रखी थी, हाथ में पाटले पहन के रखे थे और सलवार कुर्ते में थी, और जो जेंट्स था पैंट शर्ट पहन के रखा था और चश्मा पहन के रखा हुआ था उन्होंने। बोली से किस तरह से नजर आ रहे थे? बोली से खड़ी भाषा में बात कर रहे थे और वो बता रहे थे कि हम ग्वालियर साइड के हैं। हमने उनसे पूछा भी कि आप पहली बार आए हैं, आप कहाँ से आए हैं? बोले हम ग्वालियर साइड से हैं, यहाँ पे हम शादी में आए हैं और हमको गिफ्ट देना है। हम किसी को लेके आएंगे तो आप उनसे बोल देना कि हमने ऑर्डर पे बना के रखा हुआ है। तो मैंने कहा सर हमारे यहाँ ऐसा काम नहीं होता है। तो बोले हम आ रहे हैं 10 मिनट में, बस 10 मिनट में वापस आते हैं। फिर हमने वजन तपासा तो मालूम पड़ा कि इसमें इतनी चेनें कम हैं। फिर हमने हाथों CCTV फुटेज वगैरह हमारा देखा TV का, उससे पता पड़ा कि ऐसा वारदात हमारे साथ हो गई है। रामघाट पर वर्षों पुरानी मौलाना मुगीजुद्दीन चिश्ती रहमतुल्ला अली की दरगाह पर शुक्रवार दोपहर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कार्यक्रम की अनुमति की जांच करने पहुंचे। हालांकि उर्स कमेटी के सदस्यों द्वारा दी गई जानकारी के बाद वह संतुष्ट नजर आए। मौलाना मौज के 4 दिवसीय उर्स कार्यक्रम के चलते यहाँ धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। शुक्रवार दोपहर रामघाट स्थित मौलाना मौज दरगाह कमेटी के सदस्यों में उस समय खलबली मच गई जब क्षेत्र के ही CSP ओम प्रकाश मिश्रा उर्स कमेटी के सदस्यों के पास पहुंचे और शिप्रा तट पर रात में होने वाली कव्वाली के कार्यक्रम की अनुमति और कार्यक्रम स्थल के बारे में पूछताछ करने लगे। दरअसल मौलाना मौज की दरगाह ऊपर है और कव्वाली का कार्यक्रम घाट पर करने के लिए स्टेज और अन्य तैयारियां की जा रही थी। उर्स कमेटी के सदस्यों ने CSP को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दी गई अनुमति दिखाई और पिछले वर्षों में भी घाट स्थल पर ही कव्वाली का कार्यक्रम होने की जानकारी दी। उर्स कमेटी के वर्तमान सदर भैयो भाई ने बताया वर्ष 2019 में भी उर्स के दौरान कव्वाल चांद कादरी का कार्यक्रम शिप्रा तट पर आयोजित किया गया था। जानकारी लगते ही ADM संतोष टैगोर भी मौलाना मौज दरगाह पहुंचे और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया।
उर्स कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मकसूद अली ने बताया, इसके पहले भी घाट पर कार्यक्रम हुए हैं। उर्स में सभी धर्मों के श्रद्धालु आते हैं। प्रशासन बिना किसी लिखित शिकायत के कार्यक्रम की अनुमति निरस्त नहीं कर सकता है। हालांकि शाम करीब 7 बजे कुछ हिंदूवादी संगठन के सदस्य कार्यक्रम स्थल पर नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराने पहुंचे थे। मौलाना मुझे उस दिन चिश्ती रहमतुल्लाह का उर्स चल रहा है, 669वां उर्स है ये। वो लगातार यहाँ पर कव्वाली का प्रोग्राम होता है, चादर का प्रोग्राम होता है। जब बड़ा कव्वाल होता है तो हम नीचे कव्वाली कराते हैं, छोटा कव्वाल है तो ऊपर कराते हैं। 2019 में चांद कादरी जी, जिसने संसद भवन में अपनी कव्वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उसमें गाई थी, उनका कव्वाली का प्रोग्राम नीचे हुआ था। अब कुछ आज जो कार्यक्रम हो रहा है, जुनेद सुल्तानी जी कव्वाल आने वाले हैं। हमारी विधिवत परमिशन है, उसके बाद भी कुछ अधिकारी आए कि आपकी इस कार्यक्रम की आपत्ति का आप नीचे कार्यक्रम नहीं कराते। तो हमने सारे सबूत और सारी परमिशन उनको बताई। वो पिछली बार की वीडियो जिसमें चांद कादरी जी आए थे, उसकी हमने PDF में भी दे दी उनको और पेन ड्राइव में भी दे दी कि हमारा कार्यक्रम नीचे ही हुआ था। अब वो डिस्कस कर रहे हैं अधिकारी। हमारा कहना है कि बिना किसी की लिखित सूचना पर इस तरह का कार्यक्रम रोकना गलत बात है। और ये एक ऐसा स्थान है, इसमें सारे लोग आते हैं, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आस्था है और यहाँ पर ऐसी जो भी मन्नत मानता है पूरी होती है। तो सारे लोग यहाँ पर उर्स मनाने आते हैं, तो ऐसा उर्स जिसमें सारे समाज के लोग हैं, उसको अगर इस तरह का रोका जाएगा तो गलत है। इस पर मेरी आपत्ति है। तराना तहसील के ग्राम सामगी में रहने वाली 2 बच्चों की माँ पिछले 2 महीने से लापता है, लेकिन पुलिस अब तक इस मामले में हाथ पर हाथ धरे बैठी है। उधर महिला का पति हताशा में आत्महत्या करने जैसा आत्मघाती कदम उठाने की बात कह रहा है। आइए सबसे पहले सुनते हैं महिला के पति का बयान। नहीं दीदी का अपहरण हुआ सर। अच्छा, कब हुआ? पिछले 2 महीने से घर से लापता है और छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं मजदूरी करता हूँ और मेरे बच्चे का पेट पालन पोषण करता हूँ। अगर जो किसी को दया आ जाए, किसी के दिल में अगर जो रहम हो तो मेरी बीवी को वापस लौटा दे, क्योंकि मैं बहुत बुरी तरह से परेशान हूँ। और सर जी आपसे एक निवेदन करता हूँ कि वो बच्चा बच्चे माँ ही देखभाल कर सकती है, मैं तो मजदूरी करके पेट भर दूँ, लेकिन रोटी बनाने वाले का चाहिए। कहीं कंप्लेंट करी आपने? मक्सी भी करी सर जी, और साजापुर भी कहीं कलेक्टर साहब तक चला गया हूँ, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई है। नहीं तो मैं सरबास खा लूंगा। आखिरी इच्छा है मेरी और मैं छोड़ छोड़ को खिला दूंगा। मेरे को जीना ही नहीं, कोई मिला के ये है। तब आप क्या चाहते हैं? बस यही चाहता हूँ मेरी बीवी मेरे को सही सलामत मिल जाए। भगवान से महाकाल से यही प्रार्थना करता हूँ मैं तो बस। तो आपने देखा कि महेंद्र नाम का ये शख्स किस कदर परेशान है। उसकी परेशानी कितनी बड़ी है कि वह खुद तो मौत को गले लगाने की कह रहा है, साथ ही दोनों बच्चों को भी जहर देने के लिए तैयार है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि उसके सामने मौत को चूनने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। दरअसल महेंद्र हाईवे पर स्थित एक होटल पर काम करता है। अक्सर वह रात भर काम पर रहता है। 24 सितंबर 2022 को जब वह काम पर गया, उसी दौरान उसकी पत्नी सीमा 32 साल लापता हो गई, जिसकी रिपोर्ट उसने मक्सी थाने पर दर्ज करा दी। यहाँ हम अपने दर्शकों को ये भी बताते चले कि महेंद्र जिस गांव में रहता है वह उज्जैन जिले में आता है और थाना लगता है तराना। बावजूद उसके मक्सी थाने ने गुमशुदगी दर्ज कर ली, लेकिन जब महिला को तलाशने की बारी आई तो मक्सी पुलिस ने यह कहकर हाथ खड़े कर दिए कि ये मामला तो उज्जैन जिले का है। अब उस गरीब की परेशानी देखिए कि वह यहाँ से वहाँ फुटबॉल बना घूम रहा है। महेंद्र की जगह अगर कोई धनवान व्यक्ति होता तो पुलिस अब तक उसकी पत्नी का पता लगा चुकी होती, लेकिन वो कहते हैं ना कि गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। आज वही अभिशाप महेंद्र के लिए मुसीबत बन गया है। कहीं ऐसा ना हो कि महेंद्र अपने बच्चों के साथ कोई आत्मघाती कदम उठा ले। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाएं होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस B112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965।
चिमनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रीति नगर में गुरुवार रात चोरों ने एक सुने मकान में लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। चोर नकदी और गहनों सहित घर में रखी गैस सिलेंडर और कैमरे की DVR भी ले गए। फिलहाल चिमनगंज थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल प्रीति नगर गली नंबर 6 में रहने वाली पूजा पति स्वर्गीय विक्की बिडवान 2 दिन से अपने मायके सोमवार गई हुई थी। शुक्रवार दोपहर लगभग 12 बजे जब वह घर लौटी तो मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ था और अंदर के दरवाजे का नकुचा भी निकला हुआ था। पूजा ने जब अंदर जाकर देखा तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। पूजा ने बताया चोर घर में रखे करीब 1,70,000 कैश ले गए, साथ ही 1 तोले से अधिक का मंगलसूत्र, 500 ग्राम की चांदी की पायल, 1.5 तोले की झुमकी और 3-3 ग्राम की 2 सोने की अंगूठी ले गए हैं। चोर किचन में रखा गैस सिलेंडर, LED, होम थिएटर और घर में लगे CCTV कैमरे के DVR भी ले गए। फरियादिया ने चिमनगंज थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। सूचना के बाद चिमनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और FSL व डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाकर साक्ष्य इकट्ठा किए। फिलहाल चोरों की तलाश की जा रही है। LCD ले गए सर, होम थिएटर ले गए और दूसरी बार 1.5 लाख रुपए नगद कैश रखा था, 1,70,000 वो ले गए, रकम भाव ले गए। क्या क्या रकम में क्या क्या लेकर गए? झुमकी ले गए, पायजब वगैरह ले गए, टापसू ले गए, कान के सर ले गए, 4-5 आइटम ले गए सर, दो अंगूठी ले गए और पलेटे तक ले गए और कपड़े लत्ते ले गए, गैस की टंकी ले गए। कब हुई घटना? ये रात में हुई। मेन कागज उन्होंने ले गए जो रखे थे, मेन कागज इसके पापा के, वो सारे ले गए, डायरी ले गए, बैंकों की सब ले गए, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। अच्छा, आपके वहाँ कैमरे भी लगे हैं क्या? क्या कैमरे लगे हुए ना सर, कैमरे के DVR भी साथ, सब DVR ने सब ले गए सर। कहाँ गए हुए थे आप, किसे हुई घटना? मैं मायके गई हुई थी 2 दिन से, पापा की तबीयत ठीक नहीं थी तो वहाँ थी मैं। कब आई आपको जानकारी लगी? मैं अभी आज 12 बजे ही आई हूँ। मैं ननन क्या जा रही थी कि छोटा बच्चा हुआ ये मेरा, तो मैं लेके आऊँ उसको, तो मैं घर आई थी पैसे वगैरह लेने, रकम लेने, तो यहाँ आके देखा तो सब ताम झाम बिखरा पड़ा हुआ था। माधोनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत महानंदा नगर में सेक्टर E में किराए के मकान में रहने वाले सीधी के छात्र से PTM का रिडीम वाउचर कैश कर 40,000 की ठगी करने का मामला सामने आया है। ठगी की शिकायत छात्र ने साइबर सेल को की है। फिलहाल साइबर सेल मामले की जांच कर रही है। सीधी का रहने वाला छात्र अमन पिता अशोक तिवारी महानंदा नगर में रहकर इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रहा है। 9 नवंबर को अमन का पेपर था। सुबह 8 बजे अमन के मोबाइल पर 10 मिनट के अंदर 4 मैसेज आए। शाम को पेपर के बाद जब अमन ने मोबाइल चेक किया तो उसे मोबाइल से 10,000 रुपए कटने के 4 मैसेज मिले, जिनमें अमेजोन से खरीदी करने की जानकारी थी। अमन ने जब अमेजोन कंपनी के कस्टमर केयर पर जानकारी ली तो वहां से उसे बताया गया कि उसके पेटीएम अकाउंट से UPI के माध्यम से पेटीएम पर किसी ने वाउचर रिडीम कर अपने अकाउंट में कैश किया है। पैसा रानी नामक युवती के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। इसकी शिकायत अमन ने साइबर सेल को की है। अमन के दोस्त शुभम ने बताया 4 महीने पहले ही अमन ने पेटीएम चलाना बंद कर दिया है, उसके बाद भी ये घटना होना आश्चर्यचकित करती है। फिलहाल साइबर सेल मामले की जाँच कर आरोपी तक पहुँचने का प्रयास कर रही है। हमारे बैंक द्वारा UPI पेमेंट से हमारे पेटीएम ऐप है जिससे पेमेंट लेन देन करते हैं, उसमें से UPI के थ्रू आगे हमारे पेटीएम वॉलेट में ऐड किया गया पैसे, और उसके बाद उन्होंने अमेजोन का गिफ्ट वाउचर बाय किया, और फिर जब गिफ्ट वाउचर बाय कर लिया तो उसमें एक कोड आता है, तो कोड को वो अपने अमेजोन के अपने अकाउंट में रिडीम किया, जिससे ये पता चला कि ये जो वाउचर मेरा था ये कोई दूसरा व्यक्ति यूज कर चुका है जिसका नाम रानी है। इसके पहले इन्होंने कहीं से वो कुछ जो वाउचर कुछ अमेज़न का यूज़ किया था क्या इसके पहले इन्होंने? नहीं, और किसी भी तरह का कोई यूज़ नहीं किया गया था कभी भी इन्होंने अमेज़न का यूज़ नहीं, नहीं, यहाँ तक कि सर पेटीएम भी अपन बंद किए थे, करीब 3-4 मंथ हो गए थे, एंड उसमें उस सिम में जो बैंक की जो सिम लिंक थी उसमें रिचार्ज भी नहीं था। अच्छा, यहाँ तक कि कोई किसी भी तरह का ना कॉल या मैसेज या लिंक्स किसी भी तरह की कोई लिंक नहीं। 4 महीने पहले आप अपना अकाउंट बंद कर चुके थे, उसके बाद भी ऐसी तरह की घटना हुई है सर। हफ्ता वसूली कर रहे 3 बदमाशों ने दिवास गेट पर शुक्रवार शाम को चाकूबाजी कर सनसनी फैला दी। बदमाशों ने एक बस मालिक के कान और गले पर चाकू मार दी, जिससे अफरा तफरी मच गई। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
शुक्रवार शाम करीब 4:45 पर देवास गेट बस स्टैंड पर श्याम जाट, सुरेश काला और रवि नामक बदमाश एक बस ड्राइवर और कंडक्टर से रुपए मांग रहे थे। जब उन्होंने मना किया तो बदमाश कंडक्टर से रुपए छीनने लगे। तभी बस मालिक शीलेंद्र पिता कैलाश चंद्र राठौर निवासी विजयगंज मंडी पहुंच गए। इस पर बदमाशों ने उनके साथ मारपीट करते हुए गले और कान पर चाकू से 3 वार कर दिए। दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी से वहां सनसनी फैल गई। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देवास गेट पुलिस को भी सूचना दी गई है। इनके साथ वारदात हो गई है। अभी हाल 3 चाकू मार दिए हैं, इसमें सुरेश काला, श्याम जाट और एक रवि करके लड़का है। इन तीनों ने अवैध रूप से पैसा हफ्ता वसूली करते हैं, डेली का काम हो गया है इनका। रोज देवास गेट पे बसों से पैसा मांगना, पैसे नहीं दोगे तो चाकू मार देंगे, कर देंगे। इनके पूर्व में भी रिकॉर्ड हैं, ये मर्डर केस में भी जा चुके हैं, 307 में भी हैं, चोरियां भी करते हैं देवास गेट में, बैटरी वेटरी टायर वायर सब चुरा के ले जाते हैं मोटरों में। स्ट्राइको 10 रुपए में चले 100 किलोमीटर। जी हाँ, मात्र 10 रुपए में करें 100 किलोमीटर का सफर तय। रोज बढ़ती पेट्रोल की कीमतों से 5 छुटकारा। स्ट्राइको पर आपको मिलेगी मेड इन इंदौर ई बाइक्स की विशाल श्रृंखला। वोल्ट, स्प्रिंट, वर्ब, कैस्ट्रा जैसे मॉडल्स सभी रंगों में है उपलब्ध। लेड एसिड बैटरी पर 1 साल और लिथियम आयन बैटरी पर 3 साल की गारंटी। डेबिट क्रेडिट बजाज कार्ड के साथ फाइनेंस सुविधा भी है उपलब्ध। और हाँ, सीनियर सिटीजन और महिलाओं को मिलेगा विशेष डिस्काउंट। आज ही विजिट करें हमारा पता 26/1 मॉडल स्कूल के सामने इंदौर रोड उज्जैन। संपर्क करें 9131145418। बिना नोटिस दिए बिजली कंपनी ने 3 घरों की बिजली काट दी। अब घर वाले उनके दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। दरअसल शिव शक्ति नगर में 82B मकान 3 पोर्शन में बना हुआ है। इसमें पहले पोर्शन में नारायण शर्मा, दूसरे में पुलिस विभाग के रिटायर्ड निरीक्षक ज्योति शर्मा और तीसरे में रामचंद्र मीणा रहते हैं। इन्होंने ये मकान वर्ष 2012 में नरगिस बी पति मोहम्मद अली से खरीदा था। शुक्रवार को बिजली कंपनी के 3 लाइनमैन यहां पहुंचे और वर्ष 2009 में जगदीश प्रसाद पिता महादेव प्रसाद तिवारी नामक उपभोक्ता के नाम पर बनाया गया पंचनामा दिखाते हुए उनसे कहा कि मामले में अभी 35,748 रुपए की राशि बकाया है, इसलिए बिजली काटी जा रही है। इस पर घर वालों ने कहा कि ये मकान उन्होंने 2012 में खरीदा है, इससे पहले बने प्रकरण से उनका कोई सरोकार नहीं। ऐसे में बिजली कैसे काटी जा सकती है। इस पर बिजली कंपनी के कर्मचारी ने वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने की बात कहते हुए 3 पोर्शन की बिजली काट दी। हालांकि देर शाम बिजली कंपनी द्वारा कुछ राशि जमा कर कनेक्शन जोड़ दिया गया। आज वो लोग नोटिस दिखाते हुए बोले कि यहाँ पर ये मकान 2009 में इनके ऊपर 138 का पंचनामा बना था जिसमें कुछ पैसे लेने बाकी थे, लेकिन अभी तक जगदीश प्रसाद पिता महादेव प्रसाद तिवारी द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए इनको इसकी लाइट काटी जाएगी। तब मैंने उन्हें बोला कि इस व्यक्ति को तो हम जानते भी नहीं हैं, हमने तो नरगिस बी से मकान खरीदा है। इसकी सूचना बिजली विभाग ने आपको दी थी? हमें अभी तक नहीं दी। और आप ढूंढिए या पुलिस की मदद लीजिए। तो वह बोले, तो बिजली काटने वाले जो लाइनमैन वगैरह आए थे 3, वो बोलते हैं कि नहीं, ये हम नहीं ढूंढेंगे, ये अब आप हमको ढूंढ के दो। लायंस क्लब इंटरनेशनल एवं मेडिकल एसोसिएशन द्वारा 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली निकाली जाएगी। रैली टॉवर से शुरू होगी और आस्था गार्डन पर समाप्त होगी। दरअसल शुक्रवार को प्रेस क्लब में हुई पत्रकार वार्ता में पदाधिकारियों ने बताया कि लायंस क्लब इंटरनेशनल की विशेष सेवा गतिविधियों के तहत विश्व मधुमेह दिवस पर निकाली जा रही रैली में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विजय गर्ग एवं डॉक्टर गवारीकर स्पीच देंगे। इसमें विभिन्न सामाजिक संस्थाएं भी शामिल होंगी। रैली में शामिल लोगों के हाथों में मधुमेह से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लिखी तख्तियां होंगी। इसके अलावा 14 से 22 नवंबर तक डायबिटीज वीक मनाया जाएगा, जिसके तहत शांति नगर से काला पत्थर की गरीब बस्तियों में 5 कैंप लगाए जाएंगे। ये रैली आयोजित की जा रही है, 14 तारीख को वर्ल्ड डायबिटिक डे है, उस दिन टावर चौक से शुरू होगी और आस्था गार्डन सुराना होटल के पास समाप्त होगी। इसमें शहर की जनता से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इस रैली का लाभ लें, इस जागरूकता का लाभ लें और इस जानलेवा बीमारी से बचें।
इसमें कीनोट स्पीकर के रूप में डॉक्टर विजय गर्ग साहब और डॉक्टर गवारीकर साहब, जो हमारे यहाँ के शहर के वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उनके द्वारा जागरूकता के लिए अपना भाषण दिया जाएगा, स्पीच दिया जाएगा, ताकि मैक्सिमम लोग इस जागरूकता के माध्यम से इस बीमारी से बच सकेंगे। पाकीज़ा, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। तो मनाए इस त्योहार की खुशियां हमारे साथ नए स्वरूप में। मेंस, विमेंस, किड्स के लिए मौजूद है ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला। फुटवेयर, वॉचेस, एक्सेसरीज, ड्रेस मटेरियल, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ, घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखे पाकीज़ा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा चुन्नी और इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट, सूट, जोधपुरी, नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ ले हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ, पुलिस वर्दी मात्र 469 रुपए में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दे। हमारा पता, पाकीज़ा 41 वराह मीर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। और अब खबरें दे दनादन। कलेक्टर आशीष सिंह ने ठंड के चलते स्कूलों के समय में बदलाव किया है। 14 नवंबर से सभी स्कूल सुबह 9 से 4 तक लगेंगे। यह आदेश 31 जनवरी 2023 तक प्रभावशाली रहेगा। तो ये था अभाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।